शासन द्वारा चुने गए सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता सोमवार को हाथरस पहुंचे। यहां उनका शहर के रामोजी रिजॉर्ट में स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दें, जनपद हाथरस के आगरा अलीगढ़ रोड स्थित रामोजी रिजॉर्ट में शासन द्वारा चुने गए सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता का हाथरस में हुआ आगमन। आज हाथरस में वह दाऊ जी महाराज के लकी मेले के मेला मंडल में हो रहे अधिवक्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता से मिलने के लिए हाथरस के एसपी हाथरस, सीएमओ, एडीएम, सीडीओ हाथरस रामोजी रिजॉर्ट पहुंचे। यहां पर सूचना आयुक्त ने काफ़ी देर सभी लोगों से वार्ता की। सभी लोगों से वार्ता करने के बाद बाहर से आए लोगों ने भी सूचना आयुक्त का पटका पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। वहीं सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होकर सूचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। ये प्रश्न आपका बहुत सही है। जो एक्ट है उसमें प्रोविजन ये है कि आदमी ने आवेदन किया, उसको सूचना मिली और उस सूचना से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो पहली अपील तो वो यही करता है ना, धारा एक में। तो अगर उस अपील का सही ढंग से निस्तारण हो जाए और सूचना उसको दिलवा दी जाए तो उसे लखनऊ तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। आज की बैठक में ये बात हमने अधिकारियों से कहा कही है, तो हमारे जिन सूचना अधिकारी आए थे उनके सामने हमने ये बात रखी है कि अपना आप लोग माइंड सेट सूचना देने का बनाएंगे, उसको बाईपास करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सूचना न देने से विभिन्न प्रकार के संदेह पैदा होते। नंबर दो, सूचना विलम्ब से मिलने में जिस काम के लिए सूचना चाहिए वो उद्देश्य भी विफल होगा। आप क्या पूछ रहे हैं? कितने दिन में सूचना की रिपोर्ट आया? तो एक्ट में लिखा एक बार 30 दिन का समय लिखा, 30 दिन से ऊपर आता है तो अपील करिए। सर, सूचनाएं ना मिलने पर पेनल्टी होती है क्या? पेनल्टी की वसूली भी हाँ सही होती है, बढ़िया तरीके से पेनल्टी की वसूली। और सूचना सर, सूचना जो लेने वाला है उसको क्या मिला? नहीं, जो अपील में पेनल्टी होती है उसके बाद भी उसको सूचना दिलवाई जाती है। पेनल्टी से सूचना का कोई संबंध नहीं है। पेनल्टी तो इस बात की होती है कि आपने सूचना उसको सही समय से नहीं दी, सूचना के प्रवाह में बाधा पहुंचाई या उसको असत्य या भ्रामक सूचना दी, इस बात पर पेनल्टी है। लेकिन इससे उसका ये अधिकार अपील पर खत्म नहीं होता है, उसको सही सूचना ना दी जाए, शिकायत में ये अधिकार खत्म हो जाता है। हमारे द्वारा किसी भी आदेश के जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग अपील या शिकायत में कोई आदेश करता है तो हमारे किए गए किसी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।